अभी क्या करें मेहता साहब? अब थोड़ी शांति रखो जेठालाल। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया, जितने प्रयोग कर सकते थे सारे आजमा लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से चाचा जी को थोड़ी देर सोने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नहीं बाबूजी। बचते हैं बापू जी, सो जाइए, लेटिए आराम से, आराम कीजिए। हाँ मैं एक काम करती हूँ, अब सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अय्यर भाई के लिए कॉफी बनाना। हाँ। अय्यर नहीं 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 दया भाभी, मेरे को कॉफी का जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? पी पी बना बाबू बना। आप लेटिए। हाँ, सब लोग जरा चाय कॉफी पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बना बना, सबके लिए बना। दया भाभी हम भी आते हैं। बापूजी मैं जरा पानी पी के आया। हाँ हाँ टप्पू बेटा, दादाजी का ख्याल रखना, मैं भी आया। हाँ हाँ पापा। Thank you.
बापू जी की हिचकी भगाने का मुझे एक रामबाण इलाज सुझा है। क्या 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 बताइए? सुनिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे ख्याल से करके देखते हैं। लेकिन इस वक्त है एक इंतजाम हो सकता है, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, थैंक यू। बंदोबस्त हो गया। अरे वाह वाह, चलो मैं आता हूँ। मैं भी चला जाऊँ। बाबू जी चाय आ गई। लीजिए बाबू। बाबू जी रहने दीजिए, मैं पिलाता हूँ आपको। लाई मेहता और अय्यर कहाँ है? वो मेहता सब बापूजी अचानक आ गए ना आधी रात को, तो उनको शक था कि शायद घर का दरवाजा खुला रह गया होगा, तो वो चेक करने गए। और अय्यर? अय्यर भाई ऐसे ही पग छूटा करने गए। हाँ बापूजी। लीजिए बापू। एक मिनट बापूजी, मैं आपको रका भी मैं निकाल के देता हूँ। हाँ। एक काम कीजिए बापू जी, जैसे ही हिचकी आ जाए ना, तुरंत चाय पी लीजिए। हाँ हाँ, बराबर है। रुकिए रुकिए रुकिए, पीजिए। हाँ पीजिए। हाँ पीजिए। हाँ शाबाश। थोड़ी और है बापू जी। एक मिनट बाबू जी रुकिए। पीछे पीछे पीछे। रुकिए रुकिए बाबू जी रुकिए।
दीजिए बाबूजी। जरूरत भी नहीं है, आपकी हिचकी तो अपने आप भाग गई, आपको पता ही नहीं चला है? अरे 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 रुको एक मिनट, रुको समय, रुको 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 रुको। जेठिया। हाँ बाबूजी। चेकिंग चल रहा है। जय राम, जय राम, जय जय राम, वैष्णव जन तो इने कही। टंडन साहब, थैंक यू सो मच, मेरे एक कॉल पे आप रिक्वेस्ट पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतनी रात को डिस्टर्ब किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, शांति से बैठिए, अभी हिचकी गई। मेहता साहब, कुत्ते का आइडिया तो काम कर गया। थैंक गॉड, हिचकी बंद हो गई बस। वैसे जेठिया, ये आइडिया था किसका? बापूजी, दया का। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया है। वाह मम्मी, जहाँ सबके नुस्खे फेल हो गए वहाँ तेरा नुस्खा काम कर गया। हाँ हाँ, जीती रहे बहू, जीती रहे। थैंक यू बापूजी। हाँ, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। हाँ हाँ, थैंक यू। चाचा जी, शुक्रिया कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे हम लोग परिवार के सदस्य हैं और परिवार वालों को कोई शुक्रिया कहता है भला? और पड़ोसी होने के नाते तो ये हमारा फर्ज है। मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वाह वाह बबीता जी वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, है ना बाबूजी? हाँ, अब मेरी हिचकी बंद हो गई है, आप सब लोग घर जाकर आराम कीजिए, चलिए चलते। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मेहता साहब, अय्यर भाई, आप लोगों ने चाय कॉफी तो पी नहीं, अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, देखिए बहुत लेट हो चुका है, थोड़ी देर आप सो लेते हैं, और अभी अगर चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही है मेहता साहब, हम चलते हैं अब। ओके 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 मेहता साहब, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अरे अय्यर भाई थैंक यू, आपका भी। हाँ अंजलि भाभी थैंक यू, बबीता जी थैंक यू, अभी आराम से जाना। बेटिया, मेरा और टप्पू सोने जा रहे हैं, तुम लोग भी शांति से सो जाना। हाँ हाँ बाबू, चलो। हाँ दादा। चल भाई चल। टप्पू के पापा, चलिए आप भी जल्दी सो जाइए, फिर आपको भी जल्दी उठ के दुकान जाना है ना। या भाई, सुबह जल्दी उठने का नाम भी मत लेना, दोपहर तक मुझे जगाना ही मत, फिर बापूजी गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। अच्छा सुन, सुबह जल्दी उठने की घाई मत करना,
आराम से उठना। थैंक यू बाबू जी। हाँ अभी अभी क्या, आपको कल देर से उठने का लाइसेंस मिल गया है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? इन्हें घोड़े बेच के सो जाइए। और तू क्या बेच के सो जाएगी? घोड़ियाँ बेच के सो जाना। ऐसा रखिए। मम्मी पापा उठिए, पापा मम्मी उठिए, मम्मी पापा उठिए, टप्पू के पापा उठिए, टप्पू के पापा। टप्पू कब से दरवाजा खटखटा रहा है? पापा मम्मी उठिए। सुना? हाँ अभी क्या हुआ? लगता है बाबूजी की हिचकी फिर से शुरू हो गई है। ए भगवान, ये किस टाइप की हिचकी है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ए भगवान। हाँ बेटा बोल भाई, क्या हुआ? हाथी अंकल आए हैं। हाथी भाई? हाँ कौन? हाँ जेठा भाई सॉरी। आप कब आए? अभी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुलाइए चाचा जी को, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। दादाजी तो सो गए। सो गए? बापूजी की हिचकी बंद हो गई ना। अच्छा बंद हो गई? हाँ बड़ी मुश्किल से बंद हुई आती भाई। पूरी रात बेचारे बापूजी बहुत दुखी हुए, बहुत सहन किया, लेकिन आखिरकार हिचकी बंद हो ही गई। चलिए अच्छा हुआ हिचकी तो बंद हो गई। कौन सी दवा दी थी? नहीं नहीं दवाई कोई नहीं दी थी, बस बापूजी को कुत्ता दिखाया तो हिचकी बंद हो गई। कुत्ता दिखाया? हाँ वो हुआ यूं कि चलिए कुल मिला के चाचा जी की हिचकी तो बंद हो गई ना। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू हाथी भाई। अरे हाथी भाई ऐसे कैसे, आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपको चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। दया मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ चाय नाश्ते से क्या होगा, पूरा 56 भोग का राजाशाही खाना बनाना हाथी भाई के लिए एक दिन। सही बात है जेठा भाई। दया भाभी अभी चाय रहने ही दीजिए, मैं भी रात भर का जगा हूँ, चाय पियूंगा तो नींद उड़ जाएगी, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ओके संभाल आप दो आपको। नहीं नहीं मैं एक हो जाएगा। खुल गया था। आइए थैंक यू थैंक। अरे टप्पू बेटा हाथी अंकल को जाने दे बैठने। थैंक यू हाथी भाई, तकलीफ लेके ऊपर तक आए। जेठा भाई वो 56 भोग के प्रोग्राम की डेट तय होते ही मुझे बताइएगा। बिल्कुल, अरे वो प्रोग्राम का मुख्य मेहमान आप ही है, तो आपको तो पहले ही बताना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। थैंक यू फिर से आते भाई। अरे मेरा फर्ज था। फिर भी आप पूरी रात के जगे है, फिर भी ऊपर तक आए, संभल के जाना। हाँ 56 भोग। चल भाई चल, खतरनाक नींद आ रही। टप्पू यहीं सो रहा है बेटा, ए रजदी का। अरे क्या ये भाई, ओ छो उठो उठो उठो, चल 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 अपने कमरे में जाकर सो जा, चलो 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 जल्दी चल, और आप भी सो जाओ, सो और सोना दो भाई, चलो ए टप्पू बेटा ना, ओ टप्पू चलो अभी सो जाओ। दोस्तों कल्पना कीजिए, बीच समंदर में एक नाव, चारों तरफ पानी और समंदर में तूफान, तो नाव के भाग्य में हिचकोले खाने के सिवाय क्या लिखा है? लेकिन अगर मौसम ठीक हो जाए तो हिचकोले खाती हुई नाव किनारे पे आके लग जाती है और हिचकोले खाना बंद कर देती है। ठीक यही हुआ हमारे चंपक चाचा जी के साथ। उनकी हिचकी अनवरत चलती रही लेकिन अंततः बंद हो गई, किनारे पे आ गई उनकी हिचकियों की कश्ती। और हम गोकुलधाम निवासियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पड़ोसी धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और सबसे बड़ा सगा पड़ोसी ही होता है। पड़ोसियों ने जिस तरह से मदद की गड़ा परिवार की, भाई ये तो गोकुलधाम की खासियत है कि हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। लेकिन एक खासियत और है,
यहाँ की हंसी जो आपके घरों में आके ठहाकों में तब्दील हो जाती है। भाई अगले हफ्ते दिवाली के पटाखे छूटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो होने वाला है आपके घरों में हंसी के ऐसे पटाखे छूटेंगे कि चारों तरफ रोशनी भी होगी और हंसी भी। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।